नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है। और मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं हर तरह की पेंटिंग के। और मुझे जब ऑर्डर मिलता है तो मैं क्लाइंट की राय, क्लाइंट के रिव्यू के हिसाब से भी कुछ वीडियो बना लेता हूँ कि भाई उनको कैसा लगा, कैसी चाहते थे पेंटिंग, वैसी बनी या न बनी, और कोई कमी तो नहीं रही और अच्छी लगी। तो मतलब उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान होता है। तो इसलिए कई फिर मेरे चैनल पर देखते भी हैं कि भाई इस तरह से पेंटिंग बनी है और इन्होंने ये पेंटिंग बनवाई, कैसी लगी है, तो वो सारा भी सही रहता है रिकॉर्ड के लिए। तो मैं बताता हूँ, मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया है और साथ साथ दो टू एलिफेंट की पेंटिंग और एक सिंगल एलिफेंट की पेंटिंग बनी है। तो हमारे साथ है विनोद जी, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी। सर बहुत सुंदर बनाई है, मैंने लाइफ के अंदर अपनी फर्स्ट टाइम ही देखा हूँ। मेरे 30 साल हो गए पेंटिंग का काम करते हुए। जी जी। एक्सपोर्ट करता हूँ वेस्ट इंडीज में। जी। मगर ये फर्स्ट टाइम जो पालिका के काम यहाँ पर मैंने देखा, जी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और ये वेस्ट इंडीज में अपना बिजनेस है? हाँ जी, गयाना के अंदर। जी। ऐसा टापू है गयाना। हाँ हाँ हाँ। इसकी आबादी है तकरीबन 8.5 लाख। अच्छा अच्छा। तो 25 साल हो गए बिजनेस करते हुए, मार्बल की मूर्तियाँ, बांस की मूर्तियाँ, मगर जो मैंने काम इधर देखा बारीकी का, जी जी, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हाँ तो मेरा विचार है कि मैं यहाँ से थोड़ा सामान खरीदूँ और मैं टाइल के तौर पर यहाँ से ले जाऊँगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ सर ने कौन सी पेंटिंग बनवाई है। ये पोर्ट्रेट बनवाया है, थोड़ा सा ये लाइटर इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे ना, ये वाला पार्ट नीचे रखेंगे। ये पोर्ट्रेट बनाया है और हाँ एक फोटोग्राफ दिया था लेडी का सर ने, और पूरा वैसे ही बनाने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ज्यादा। जी जी, थैंक यू। तो ये आपने दांत देखी है इसके, इसके अंदर भी उन्होंने क्लियर उसके बना रखे हैं, तो थोड़े छोटे रेशे आते हैं। हाँ। तक उसमें रेशे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हर एक कोई नहीं बना पाता। इनके बाल देखिए, बाल के अंदर एक एक बाल आपको सेपरेट नजर आएगा। चक्कर इजी नहीं है। जी जी, नहीं चक्कर क्या है, अगर सेम नहीं बनेगी तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसा फोटोग्राफ हो वैसा ही बनाऊं, थोड़ा 19-20 रह सकता है, बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि बिल्कुल सेम बनाऊं। इसके आपसे यही गुजारिश है कि एक बार आती आके देखिए कैसे बनाते हैं और कैसे हाथ का काम है, आप खुद दंग रह जाएंगे कि कितनी अच्छी चीज़ और कितनी बढ़िया चीज़ ये लोग बनाते हैं। जी जी, थैंक यू। और ये अपने ये किसके लिए बनवाई, कुछ उनका परिचय? हमारी एक सिस्टर है कनाडा में रहती हैं। जी जी, उनकी डॉटर है ये, उन्होंने पोर्ट्रेट बनवाया था और तंजोर वर्क काम करा था इसके अंदर। अच्छा। और जो कि इन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये काम किया। थैंक यू सर, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू अजय। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा एलिफेंट का भी बता दूँ कि ये टू एलिफेंट है, ये एक साथ बनवाए हैं। एलिफेंट का कहते हैं कि भाई वो लक्की होते हैं, अगर घर में लगाते हैं एलिफेंट तो। आप वेस्ट इंडीज़ में किसी भी घर में जाएंगे, आपको हर घर में एलिफेंट जरूर मिलेगा। जी जी, जो कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं लगाते, मगर उधर वो समृद्धि का उसको प्रतीक मानते हैं। जी, और हर घर में आपको एलिफेंट मार्बल का या उसका चित्र बनावा या फिर ब्रास का, वो हर घर में मिलेगा। जी जी जी, और मैं आपसे कहूँगा इधर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर। तो विनोद जी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप कहाँ वेस्ट इंडीज से गयाना से ऑर्डर के लिए मेरा चयन किया और आप पधारे मेरी आर्ट गैलरी पे, बहुत अच्छा लगा। और